चितंगा ब्यालिंग जी परमारो मिनिस्टर और पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट रजन नानी जी चको मीना जी और भाइयों नाम अचुंग जी सभी पीसीसी के ऑफिस बेरर्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड और यहाँ उपस्थित पार्टी के कार्यकर्तागण और मीडिया के दोस्त, मैं दिल्ली जाके कल रात को वापस आया हूँ। परसों CWC मीटिंग था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ और आपका सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी मीटिंग में मैं भाग लिया। CWC मीटिंग में जो आने वाला चुनाव के लिए जो कमिंग लोकसभा जनरल इलेक्शंस का बारे में चर्चा हुआ और चर्चा करके किस मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ेगा और चुनाव में जाएगा उसका विचार हुआ और आखिर में तीन न्याय का बारे में चर्चा किया। न्याय मीन्स जस्टिस, उसको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। तो उसको पहले इंग्लिश में बताता हूँ। हिस्सेदारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय में गिनती करो, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके बाद आरक्षण का हक, आरक्षण रिजर्वेशंस का हक, तीन नंबर में SC ST सब प्लान, स्पेशल बजट फॉर SC ST इक्वल टू शेयर ऑफ पॉपुलेशन, जल जंगल जमीन का कानूनी हक, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्लेम्स टू बी सेटल्ड इन 1 ईयर। जो फॉरेस्ट राइट है, हमारा जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में जो ज़्यादातर रहते हैं, उसका 1 साल का अंदर में सबका फॉरेस्ट राइट को ट्राइबल्स को दिया जाएगा। अपनी धरती अपना राज, अपनी धरती अपना राज, हमारा जमीन में हमारा राज है। क्योंकि ये जो वर्तमान लोग उसको छीनने के लिए कोशिश कर रहा है, ऑल हैबिटेशंस वेयर STs आर द मोस्ट पॉपुलस ग्रुप विल बी नोटिफाइड शेड्यूल्ड एरियाज। जहाँ जिस एरिया में, जिस जगह में, जिस प्रदेश में ट्रैवल का संख्या ज़्यादा है, उसको शेड्यूल्ड एरिया में नोटिफाई किया जाएगा, राइट दिया जाएगा ट्रैवल्स का। ये हिस्सेदारी का न्याय है। उसके बाद नारी का न्याय है। नारी महालक्ष्मी ₹1 लाख पर ईयर फॉर 1 वुमेन इन एवरी पोअर फैमिली, हर गरीब गरीब परिवार का उसका परिवार से में से एक महिलाओं को हर साल ₹1 लाख दिया जाएगा। दो नंबर में आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक मीन्स 50% वुमेन्स रिजर्वेशन इन न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट्स जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी में 50% महिला को दिया जाएगा। और तीन नंबर में शक्ति का सम्मान, शक्ति का सम्मान, डबल सैलरी कंट्रीब्यूशन
of Central for all ASHA, Anganwadi, and midday meal workers. Double salary diya jayega. मैंने जितना भी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो मिड डे मील के लिए काम करने वालों के लिए उसका डबल सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाएगा। चार नंबर में अधिकार मैट्रिस। अधिकार मैट्रिस में अधिकार मैट्रिस इन एवरी विलेज टू इंश्योर वुमेन गेट देयर लीगल राइट्स। हर गाँव में अधिकार मैत्रीस बनाया जाएगा ताकि वुमेन हर चीज में उसका इक्वल राइट मिले, पूरा राइट मिले। पांच नंबर में सावित्री बाई फुले हॉस्टल्स, डबल नंबर ऑफ हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन। जितना वर्किंग वुमेन्स लोगों के लिए हर जगह जगह में और उसका हॉस्टल बनेगा ताकि उसका वुमेन का सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान देते हुए। देन दूसरा जो है किसान न्याय, जस्टिस फॉर फार्मर्स। किसान न्याय मीन्स जस्टिस फॉर फार्मर्स। उसमें सही दाम, एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो अभी किसान लोग दिल्ली बॉर्डर में हर साल आंदोलन करते हैं और इतना हजारों में लोग मरते हैं वहाँ में आंदोलन करके करके, कितना नुकसान हो गया, उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी में दिया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही सही दाम, हर फार्मर्स को सही दाम मिलेगा और एमएसपी लीगल गारंटी के साथ स्वामीनाथन फॉर्मूला का हिसाब से उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फार्मर्स को मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कोई भी किसान लॉस नहीं होगा, जो भी काम करेगा जो फार्मर्स का लॉस नहीं होगा। दाम जहां लॉस है वो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का तरफ से उसको मिलेगा। जो आंदोलन जो किसान लोग कर रहा है अभी उसको कांग्रेस सरकार में आते ही उसको पूरा कर देगा, गारंटी है। कर्जा माफी आयोग स्टैंडिंग लोन वेवर्स कमीशन फॉर फार्मर्स। एक कमीशन बनेगा, अभी जितना भी फार्मर्स है वो लोग पूरा कर्जा में दबा हुआ है, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं क्योंकि कर्जा को नहीं चुका पाता है। बैंक लोग उसको तंग करते हैं, नोटिस भेजते हैं वो, इसलिए मैक्सिमम जो दूसरा शहर में गांव में फार्मर्स लोग सुसाइड करते हैं, तो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही ये जो एक कमीशन बनेगा, इस कमीशन से उस किसान लोगों का इसका ज़्यादा कर्जा नहीं भर पाता है उसको हम लोग माफ़ कर देगा, कर्जा माफ़। तीन नंबर में बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र। ये एक कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है ग्रांटेड इंश्योरेंस पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ क्रॉप लॉस। जो चावल हो, गेहूँ हो, अनेक जो फार्मर्स का जो प्रोड्यूसेस है वो हर कोई साल में लॉस होता है, कोई बीमार के वजह से, कोई ड्रोथ के वजह से, कोई प्लाट के वजह से, बारिश के वजह से, अनेक कारण से वो जो फार्मर्स जो इनकम है, जो प्रोड्यूस है, लॉस होते हैं, उस लॉस को 30 दिन का अंदर में उस लॉस को गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट करेगा और सीधा उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, उसका जो लॉस को पैसा दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। और सही आयात
Nirayat Niti, stable import export policy to benefit farmers, Sahi Ayat Nirayat Niti एक नीति बनेगा, पॉलिसी बनेगा, कांग्रेस पार्टी का सरकार में आते ही एक नीति बनेगा कि जो हमारा जो इनकम है, जो प्रोड्यूस है, खेती से जो निकलता है कोई भी चीज़, उसको किस प्रकार से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाएगा और फार्मर्स को उसको बेनिफिट मिले, फार्मर्स का प्रॉफिट के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेज, फॉरेन में भेजने का, इम्पोर्ट मीन्स बाहर से यहाँ इन देश का अंदर में या गांव तक लाने के लिए वो पॉलिसी बनेगा। उस पॉलिसी से जो फार्मर्स लोगों का बहुत इनकम होगा, बेनिफिट होगा, उसका वो नीति कांग्रेस पार्टी बनाएगा। पाँच में जीएसटी मुक्त खेती। अभी जो जीएसटी को मालूम है ना, गोड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी मींस गोड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड गोड्स एंड सर्विस टैक्स में इसमें स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, और सेंटर और स्टेट का भी मिलके अलग है, माने मल्टीपल टैक्स। इसी से आप लोग को किसी तो गांव आदमी को तो पता नहीं होता, और बहुत लोग को पता भी नहीं होता कि ये जीएसटी क्या चीज़ है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है, सब बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। और इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर फार्मर्स लोगों के लिए बहुत लॉस होता है, क्योंकि जितना भी सामान लाते हैं आप, ट्रैक्टर वहाँ से लाते हैं, वहाँ में पंपिंग मशीन, जो पावर टेलर्स, जो कोई भी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट खेती के लिए, आपका बागान के लिए, जब आप वहाँ से बाहर से या विदेश से लाते हैं, उसका ऊपर में 18% टैक्स, और कुछ कुछ तो 28% टैक्स। तो इतना टैक्स में होने से वो सामान का दाम जो है 18% बढ़ जाता है, 28% बढ़ जाते हैं। देन हमारा जो फार्मर्स है, जो छोटा छोटा फार्मर्स है, जो खेती करने वाला, उसको खरीद नहीं पाता मार्केट से या दुकान से या कंपनी से खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसका दाम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है कि जब हमारा सरकार आते ही वो जीएसटी नहीं लगाएगा, माने पूरा जीएसटी को माफ़ करेगा, नो मोर जीएसटी ऑन इंपुट्स फॉर फार्मिंग। खेती करने वाला का जो भी जरूरत चीज़ को ऊपर में, उसको जीएसटी लगाने नहीं देगा, ठीक है ना? तो जीएसटी नहीं लगाएगा, हमारे खेती लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकम भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आसान हो जाएगा। नाउ ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, युवा न्याय, जस्टिस फॉर यूथ। युवा न्याय मीन्स जस्टिस फॉर यूथ। और यूथ आज इतना तकलीफ में है, इतना दुख दर्द में है, यूथ इतना परेशान में है, बेरोजगार में है। अब कहीं भी जाओ, कहीं भी शहर में जाओ, गांव में जाओ, कोई भी घर में जाओ, अब देखेगा वहाँ दो दो तीन दिन यूथ बिना काम का बेरोजगारी ऐसे बैठा हुआ है। पूछने बोलता है कि हमारा कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई इनकम नहीं है, हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसे बैठ जाता है, और घर में बैठ करके परेशानी होगा, स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, टेंशन बढ़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, एक गारंटी दिया कि इंडिया में ये बीजेपी सरकार 10 साल चलाने के बाद भी 30 लाख नौकरी को बचा के रखा, अभी तक नहीं बढ़ा है। ये हम लोग के लिए तो ये इनजस्टिस है, यूथ के लिए इनजस्टिस है। तो 30 लाख नौकरी जो खाली वैकेंसी को इतना साल क्यों रखा, और अभी तो क्यों रिक्रूटमेंट नहीं किया? तो इसलिए इतना जो 30 लाख यूथ को नौकरी मिलना चाहिए था, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में,
फौजी में या रेलवे में या एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सर्विस सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में जो नौकरी, इतना 30 लाख वैकेंसी पड़ा हुआ है, उसको रिक्रूटमेंट नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला ये तो ये के लिए, युवा के लिए तो ये अन्याय है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा कांग्रेस सरकार या इंडिया एलियंस सरकार, इंडिया सरकार अगर दिल्ली में आते ही ये 30 लाख नौकरी को जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो 30 लाख यूथ को तो नौकरी मिलेगा, इतना करोड़ों यूथ है, उसमें से 30 लाख यूथ को तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा। देन दो नंबर में पहली नौकरी पक्की, 1 ईयर एप्रेंटाइजशिप फॉर ऑल एजुकेटेड यूथ एट रुपीज 1 लाख ईयर एट 50 मंथ। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी दिया कि जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, पढ़ा लिखा करके ऐसे बैठा हुआ है, कुछ काम धंधा नहीं है, उसको हर महीना 1 लाख, हर महीना 8,500 मिलेगा, साल में 1 लाख रुपया वो अनएम्प्लॉयड यूथ को देते रहेगा जब तक नौकरी नहीं मिलेगा। जब नौकरी मिल जाएगा उसको, रेगुलर नौकरी मिल जाएगा, सरकार नौकरी मिल जाएगा, ये जो पैसा नहीं मिलेगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद ये डिसकंटिन्यू होगा। तो इसके लिए ये 1 लाख का गारंटी है। देन तीन नंबर में पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक से मुक्ति, लॉ टू कंप्लीटली एंड ऑल पेपर लीक्स, एक कानून बनेगा यूथ के लिए, एक कानून बनाएगा देश का भविष्य के लिए, एक कानून बनेगा कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही, एक कानून बनेगा कि कोई भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो, पेपर चोरी ना हो, है कि नहीं, उसमें करप्शन ना हो, इसलिए एक कानून बनेगा, एक तगड़ा कानून बनेगा ये पेपर लीक को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। 4 नंबर में जिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, जिग इकोनॉमिक में सामाजिक का सुरक्षा, बेलर वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर जिग वर्कर्स, ये इंडस्ट्री में, कंपनी में, अलग अलग कंपनी, प्राइवेट हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, हर जगह में कंपनी में लोग काम करते हैं, और उसके लिए वो सरकार का तरफ से उसको सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी मीन्स उसके लिए कोई इंश्योरेंस होगा, कुछ पॉलिसी बनेगा, उसका सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो पॉलिसी बना करके उसका सुरक्षित करेगा। कोई वर्कर पहले जैसे आपका ये बीमार आया था ना, अभी जो कोरोना काल में कोरोना बीमार आया था, तो 2020-21 वो कोरोना बीमार फैलने के बाद कैसे कैसे, मतलब वर्कर्स लोग, लेबरर्स लोग सड़क में मर गया, ट्रेन में मर गया, जाने के लिए सुविधा नहीं है, पीने के लिए सुविधा नहीं है, कोई भूखा प्यासा से मर गया, तरफ तरफ करके मर गया, उसका कोई सरकार ने उसका ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया, उनका रहन सहन का कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा करके परिवार कितना नुकसान हो गया, हजारों करोड़ों लोग का जब फैमिली चला गया। इस ऐसे ऐसे दुर्घटनाओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी एक सुरक्षा का प्रबंध करेगा, इसका इकोनॉमी पॉलिसी बनेगा, एक पॉलिसी बनेगा कि जहाँ भी जाएगा वो सिक्योरिटी हो, भूखा प्यासे खाने पीने में कमजोरी ना हो, और रास्ता में ऐसे सड़क में नुकसान होकर नहीं बैठेगा, उसको कांग्रेस पार्टी उसका अच्छा पॉलिसी बना करके उनका वर्कर्स का कंडीशन को सुरक्षित करेगा। ये है
पांचवा में युवा रोशनी, युवा रोशनी में ये युवा रोशनी मीन्स उसका विजन, युवा के लिए रोशनी, उसका युवा के लिए लाइट, रोशनी मीन्स लाइट है, उसका फ्यूचर है, रोशनी मीन्स उसका होप है, युवा आगे यूथ लोग मतलब आगे क्या करना चाहते हैं, आगे क्या काम करना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, उसके लिए जो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो यूथ्स का, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स का, उसका फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, उनका जीवन के लिए, उसका आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही उसका स्टार्टअप फंड देगा, शुरुआत करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देगा कांग्रेस पार्टी का, सरकार से पैसा देगा वो, उसके लिए भी फॉर यूथ्स प्रथम साल में 5,000 करोड़ स्टार्टअप फंड रखेगा, उसे यूथ को शुरू कर देगा 5,000 करोड़, ताकि कम से कम शुरू हो जाएगा जीने की रसा पहचानेगा, ऐसा करके ये ग्रांति है। नाउ ये पांच में श्रामिक न्याय, श्रामिक न्याय, श्रामिक न्याय में एक नंबर में बस्तिया अधिकार, सबस्तिया अधिकार, राइट टू हेल्थ लॉ दैट प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स मेडिसिन ट्रीटमेंट सर्जरी रिहेबिलिटेटिव एंड पैलियेटिव केयर। ये मेडिकल टर्म बहुत लंबा है, फिर भी आप समझ सकते हैं, राइट टू हेल्थ का कानून बनेगा, हर जहर इंसान का शरीर में कुछ ना कुछ बीमार रहता है, किसी का बिल्कुल बीमार नहीं है वो रहने वाला का, तो कुछ कम से कम सबसे छोटा वो था बीमार, पेट का दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, शरीर का दर्द, वो तो छोटा मोटा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब आपका एक्टिविटीज़ का कारण से बिजी काम काज का कारण से वो मिनिमम कारण बीमार तो होगा, हर आदमी को होगा, लेकिन उसे भी मैक्सिमम इंसान लोगों को ज़्यादा बीमार तो होता ही है, अलग अलग बीमार से होता है, किसी का हार्ट का बीमार होगा, किसी का ये लिवर का बीमार होगा, किडनी का बीमार होगा, और किसी का डायबिटीज़ का बीमार होता है, और अलग अलग बीमार कैंसर का बीमार होते हैं, हर बीमार सभी बीमार लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी आते ही एक राइट टू हेल्थ लॉ बनाएगा, जिस लॉ से यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगा, कोई भी इंसान को, कोई भी इंडियन सिटीजन को कहीं भी वो ट्रीटमेंट का फ्री मिलेगा, ये उनका कहना है, वो ये हमने शुरू किया था अरुणाचल में 2013 को, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अरुणाचल में हम लोगों ने शुरू किया, अभी तो पूरा हर स्टेट में शुरू हो रहा है, अभी भारत सरकार में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस समय में हम 2 लाख से शुरू किया, उसके बाद 3 लाख करने के बाद अभी तो 5 लाख से चल रहा है, और अभी उस दिन CWC मीटिंग में जो राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गहलोत का गवर्नमेंट ने जिसका जो मतलब गंभीर से गंभीर जो बीमार क्रिटिकल डिजीजेस, क्रिटिकल बीमार्स लोगों के लिए वहाँ राजस्थान सरकार उस समय में जो अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख तक दिया था 25 लाख को ईच पेशेंट, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हुए कांग्रेस ने ये कानून बनाएगा इसको। 2 नंबर में श्रम का समान सम्मान, समान है श्रम का समान, नेशनल मिनिमम वेज ऑफ 400 डे इंक्लूडिंग ऑल मनरेगा वर्कर्स, ये हर घर परिवार को सम्मान मिलेगा, अधिकार देगा, एक इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा फैमिली में, तो इसके लिए नेशनल मिनिमम वेजेस को 400 पर डे, जो मनरेगा का जो अभी जो अभी जो मिल रहा है 200 पर डे, अभी वो कांग्रेस सरकार आने से ये 400 हो जाएगा, 400 पर डे मिलेगा, बहुत डबल हो जाएगा, डबल। जब तो गाँव का जितना भी जो मनरेगा वर्कर है ग्राम पंचायत लेवल में जो इम्प्लीमेंट करते हैं ये काम, जो है जो अभी अभी जितना पैसा आता है उससे दो गुना आएगा, वो जैसे दो गुना इनकम होगा अगर फैमिली में एवरी इंडिविजुअली। वो उन्होंने कांग्रेस सरकार का नीति था ये मनरेगा जो है। देन शहरी रोजगार गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज का जो यूथ लोगों के लिए उसका एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा, उसका शहरी रोजगार गारंटी, शहरी बने शहर बने टाउन, टाउन का जितना भी जो यूथ होगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन चार नंबर में सामाजिक सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वालों के लिए, प्राइवेट कंपनीज में बहुत लोग का वर्कर काम करता है, हाईएस्ट वर्कर काम करते हैं कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में, टनल्स में, कैनल्स में, हर एक्टिविटीज़ का काम करते हैं, तो उसी वर्कर्स लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलता है, वहाँ से नौकरी निकलने के बाद फिर उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं नहीं होता है, तो इन लोगों के लिए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंशल इंश्योरेंस वो सरकार आते ही, कांग्रेस सरकार आते ही उसको दे देगा। पांच नंबर में सुरक्षित रोजगार, सुरक्षित रोजगार में स्टॉप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम गवर्नमेंट फंडिंग, स्टॉप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कोर गवर्नमेंट फंक्शंस, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पांच नंबर में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन वाला जो नौकरी है इनसिक्योर है, एक साल में नौकरी एक छः महीना के लिए नौकरी देते हैं फिर निकल देते हैं, दो महीना के लिए नौकरी देते हैं निकल देते हैं, दो साल के लिए, एक साल के लिए, पाँच साल के लिए नौकरी देकर टर्मिनेशन हो जाता है, तो उसका आदमी का लाइफलेस हो जाता है, इनसिक्योर होता है आदमी, एक साल नौकरी करने के बाद निकलने के बाद क्या करेगा, दो एक साल तो कुछ नौकरी मिल रहा था फिर उसके बाद टर्मिनेशन कर देने के बाद कैसे लगेगा, कितना झटका होगा, कितना दर्द होगा, इसलिए वो इनसिक्योर वाला पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी जो अभी जो वर्तमान जो सरकार जो कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल करके करके कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट देके देके कुछ पल के लिए खुशी दे रहा है और लाइफ टाइम के लिए उसको दुखी दे रहा है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट को ये टेम्प्रेरी वाला को उसको बंद करके कांग्रेस पार्टी सरकार आएगा तो हम लोग उसका बदली में परमानेंट नौकरी देगा परमानेंट वाला, तो ये पांच न्याय गारंटी है, फाइव न्यू गारंटी और फाइव न्यू गारंटी में भी फिर पांच गारंटी है, ये गारंटी है उसको सर्कुलेट किया जाएगा, आप लोग उसको वाइडली पब्लिशित करना और सबको बताना, सबको सिखाना, जितना कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस वर्कर का वेलोशियस का सपोर्टर्स का काम है उसको आगे लेके जाना है, माँ पिताजी लोगों को, ये नौजवान यूथ लोगों को, दोस्त लोगों को समझाना है कि ये कांग्रेस का नीति है और कांग्रेस सरकार आएगा तो ये नीति को पूरा करने से हमारा लोगों का टेंशन फ्री हो जाएगा और सुरक्षित होगा और अच्छा जीवन जीने के लिए मौका मिलेगा, इसको बताने के लिए ये सर्कुलेट किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप किया जाएगा और
लास्ट में हम लोग का कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयारी है और आज कल परसों से वो मीटिंग वहाँ में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का मीटिंग हो गया है और एक मीटिंग में मैं भी अटेंड किया हूँ। और क्योंकि हम लोग 12-0 न्याय यात्रा जब मणिपुर से शुरू हुआ था राहुल जी का लीडरशिप में, वहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र में मुंबई में वहाँ ख़त्म किया, वहाँ क्लोजिंग फंक्शन में मैं अटेंड किया और जाके वहाँ पूरा इंडिया गठबंधन का सभी दल लोग ने वहाँ आया, सभी नेताओं ने आया और सभी नेताओं ने अपना अपना विचार विमर्श वहाँ में बात रखा और वो उन्होंने दिशा फैसला किया एक साथ चुनाव लड़ने के लिए। ये और उन लोगों का मिनिमम जो प्रोग्राम होगा वो तो इंडिया गठबंधन अपना से तय करेगा। अभी जो हमने बताया ये कांग्रेस का गारंटी है, कांग्रेस का 5 गारंटी कांग्रेस का तरफ से ये हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो मिनिमम गारंटी वो लोग फिर सब पार्टी मिलके वो लोग तैयार करेगा और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये भी एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। कांग्रेस का भी अपना से मैनिफेस्टो बनाया, उतना वॉल्यूमनाइज होगा, हर विषय में उसमें चर्चा होगा और इसमें प्रमिस होगा वो आएगा, उसमें और डिटेल्स में आएगा। अभी जस्ट हम जस्ट जिस्ट को बता दिया है, उसमें किताब में डिटेल्स में आएगा। और वहाँ 12-0 न्याय यात्रा क्लोजिंग फंक्शन में बिजी होने के वजह से हम लोग का यहाँ का जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशंस का थोड़ा लेट हो गया और जितना जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उनका आज अनाउंस हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा और जो भी कैंडिडेट हो नॉमिनेशंस वगैरह हो हम लोग दे देंगे और जो भी फाइल करेंगे और हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा और हम लोग अच्छा से मैं करने के लिए तैयार है। और लोकसभा दोनों लोकसभा सीट है, अरुणाचल 1 अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 अरुणाचल ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कैंडिडेट होगा और लड़ेगा। और विधानसभा में भी हम लोग कोशिश करेगा मैक्सिमम जगह में हम लोग लड़ने के लिए और अगर लीडर कैंडिडेट निकलता है पूरा में पूरा लड़ेंगे, अगर कम निकलता है तो उस जितना कम निकलेगा उसमें हम लोग लड़ेंगे। हम लोग इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए अपना अपना दल का हम लोग तैयारी में है, ये आप लोग को बताना था। और जब रिमेनिंग अभी अनाउंसमेंट अभी कुछ समय के अंदर में AICC से वो लोग प्रेस मीडिया से वो आ जाएगा, अनाउंसमेंट होते ही आप लोग को सब पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये वेस्ट पार्लियामेंट वहाँ में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग में चर्चा हुआ है और यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से 3 लोगों को यहाँ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी रिकमेंड भेजा था और अदर पार्टी से दूसरा पार्टी से भी एक उन लोग का भी अप्रोच आया था, सजेशन आया था कि वो लोग पार्टी में शामिल होगा और कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका देने के लिए। फिर भी वहाँ पार्टी में सी में निर्णय लिया है और लेके उन्होंने कहा है कि एक पूरा जो पेस बेलू सीनियर कोई लीडर मिलने से तो टिकता, तो मैं तो कहा था हम विधानसभा में ही लड़ेंगे, तो उन लोगों ने आदेश किया ये विधानसभा लड़ना नहीं लड़ना तो आपका ऊपर में है लेकिन लोकसभा तो आपको लड़ना है जो सीनियर के हिसाब से। और पिछला ताम में 2019 में मैं लड़ा था, तो 2019 में लड़ा था तो मैं ज़्यादा तो वोट नहीं मिलने से भी 2nd में आया था, तो इसलिए उसका वो ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने कहा कि इस बार फिर रिपीट करो और ट्राई करो करके उन लोगों ने कहा है।
वही अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, वो उन लोग का निर्णय है। आज ऑफिशियल आने के बाद हमको पता चलेगा कि किसको देगा किसको नहीं देगा। वही है सर, आपने यहाँ पर जो नीतियाँ कहा है जो भी कांग्रेस के जो एश्योरेंस दिए गए हैं सर, जितने भी सारे, वो शायद अभी भी बीजेपी द्वारा तो किए जा ही रहे, शायद दो तीन को छोड़ के सर जितने भी एश्योरेंस हैं वो ज़्यादातर शायद बीजेपी द्वारा हो रहे हैं अभी भी। कौन सा वाला मतलब जितने भी असाइनमेंट्स अभी जो नीति आपने कहा था जो अनाउंस किया सर, वो तो ज्यादातर शायद बीजेपी बीजेपी का तो कोई नीति अच्छा हो, नीति तो हम तो नहीं देखा है। बीजेपी नीति एक दो नीति आप बता दीजिए, जो अभी बीजेपी की नीति जो वो बता रहा है यहाँ गाँव में बता रहा है या स्टेट में हर प्रदेश में जो बता रहा है वो नीति कांग्रेस का नीति था। कुछ कुछ नीति तो इंदिरा गांधी जी का 20-point पॉलिसी प्रोग्राम का वो नीति था, और दूसरा जो प्रोग्राम था जो एक उस समय में संजय गांधी का 5-point पॉलिसी का प्रोग्राम था, और बाकी जो प्रोग्राम जो दिया हुआ है जो मनरेगा और ये सब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के समय में ये UPA 1 UPA 2 का नीति है, उसको और सिर्फ नाम को चेंज किया, सिर्फ नाम बदल दिया है, मतलब स्टिकर लगा दिया। सर, इफ यू गेट टिकट, इफ यू गेट टिकट फॉर लोकसभा, अगर देखें तो सीए अभी बहुत चर्चे में है और सुप्रीम कोर्ट के अगर आपका आया, अगर आप चर्चे में मिलते हैं जो अभी बहुत ही चर्चे में है, अगर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर CAA जो उन्होंने लागू किया है इसका यहाँ हम लोग के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो असर बहुत पड़ेगा, हमारा प्रदेश में भी असर पड़ेगा, उसका हम लोग विरोध करेंगे। और उसका जो कांग्रेस सरकार अगर आएगा उसका अमेंडमेंट करवाएंगे। दो हजार उन्नीस में हमको लोकसभा और विधानसभा भी दोनों सीट दिया था, हम दोनों में कॉन्टेस्ट किया। अगर AICC बोलेगा दोनों में कॉन्टेस्ट करो, हमको दोनों में कॉन्टेस्ट करेंगे, AICC बोलेगा कि एक में करो एक में करेंगे, ये तो पार्टी पार्टी फैसला करता है ना, मैं तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वर्कर है, एक कार्यकर्ता है, मैं तो ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हूँ। मैं पीछे जो बैठने वाला वो जो मालिक है ना, मालिक बोलेगा कि लेफ्ट जाओ, हम लेफ्ट जाना पड़ेगा, मालिक बोलेगा कि राइट जाओ, हम राइट जाना पड़ेगा, सीधा जाओ, हम सीधा जाना पड़ेगा। वोटर्स में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, आप सीधा सीधा बता दीजिए कि आप सगाली से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। वही हम बता रहा हूँ, मेरा बॉस बोलेगा, मेरा हाईकमान बोलेगा कि आप दोनों में करो, बोलेगा हम दोनों में करेंगे, अगर मैं एक में करो हम एक में करेंगे। जैसा मैं खुद मालिक नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आप लोग का सब आप लोग का जैसे एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, ड्राइवर ही समझ लो ना, मैडम मेरा ड्राइवर हो गया, मैडम जैसे बोलेगा वहाँ जाएंगे ना। तो पहले बताइए मेरा इलेक्शन इशू जो है पार्टिकुलर फॉर अरुणाचल फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ जो अनएम्प्लॉय करके अभी रूप बजर में ऐसे घूम रहा है, कुछ बेरोजगार में घूम रहा है, बिना काम का कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा होके दफ्तर पास होके LLB पास होके इंजीनियर पास होके डिप्लोमा करके ऐसे घर में बैठा हुआ है। हम जब भी कहीं भी गांव में जाता है, कहीं भी घर में घुसता है, चाय पिलाते हुए वो लोग माँ पिताजी बताते कि मेरा बच्चा तीन बच्चा है, पढ़ाई लिखाई होगा क्या करूँ। हाँ, कम से कम माँ पिताजी जब बच्चा को पढ़ाते समय में, बच्चा में स्कूल एडमिशन कराते समय में एक सपना था कि मेरा बच्चा को अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अच्छा कॉलेज में भेजूँगा, उसके बाद उसको नौकरी करते हुए हम देखूँगा, वो उसका इनकम सोर्स से बुढ़ापा को बुढ़ापा में मदद मिलेगा, बोलिए जो उम्मीद था वो उम्मीद ख़त्म करके बैठा हुआ है। हमारा मैनिफेस्टो हम लोग ड्राफ्ट में है, प्रिंट में मिलेगा, मैं हम लोग का कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, उसमें हम लोग पूरा करेंगे कि मैं जैसे 2013 सुदो को यहाँ में विशाल जॉब रैली बनाया था ना, जॉब रिक्रूटमेंट रैली बनाया था,
13,000 लोग यूथ लोग पार्टिसिपेट किया था जॉब रैली में, इंदिरा गांधी पार्क में जॉब रैली 13,000 यूथ पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यहाँ इंदिरा गांधी पार्क में पार्टिसिपेट करके, उसमें से 13,000 में से 9,000 लोगों को रिक्रूटमेंट करके जो देश का 29 जो लार्जेस्ट कंपनी जो चुनाव मना हुआ कंपनी लोग आ करके एजेंसी ऑफिस खोल करके रिक्रूटमेंट करके लेके सबको ट्रेनिंग दिया, उसमें से 2-3% बदनाम हुआ या खराब हुआ होगा, लेकिन 99% लोगों को बेनिफिट मिला। अब सोचके लिए ये हम काम करेंगे और उन लोगों के लिए इंश्योर करेंगे, जो भी सरकार आएगा उसको मजबूर करेंगे ये इम्प्लीमेंट किया जाए। सर आप अभी आपकी उसमें बोल रहे थे कि एफपीएससी का जो पीपल के इशू के बारे में आपने सर बोला था, जब सर स्टेट में इशू चल रहा था तो आपकी पार्टी ने उस समय में आवाज या कुछ क्यों नहीं उठाया सर? हमारा पार्टी ने आवाज उठाया, मैं भी उठाया, असेंबली में भी बात हुआ, और ये मीना मैडम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपका धरना प्रदर्शन में भी वो लोग ने पूरा पार्टिसिपेट करके आवाज़ उठाया है, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उठाया, ईटानगर में भी उठाया, और हमारा कांग्रेस पार्टी से भी उठाया है। आपने कहा कि आप कैसे करेंगे क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लोग भी इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ने उसको गारंटी दिया है कि हम लोग कानून बनेगा, सख्ती से सख्ती उसको कानून कार्रवाई करने के लिए कानून बनाएगा, ताकि टोटली ट्रांसपेरेंट हो, लोगों का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को ध्यान देते हुए ये कानून बनेगा। मैंने किसी का ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर में रिक्रूटमेंट को ऊपर में डाउट नहीं करने के लिए। सर अगर आप पहले भी सीएम बन चुके हैं, अभी भी अगर आप सीएम आगे भी आप मिनिस्टर आपका पार्टी कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाएगी तो जैसे कि अभी नेशनल थ्रेट आ रहा है, जैसे कि चाइना अभी रिसेंटली चाइना का जो इशू बोल रहा है कि अरुणाचल में जब मोदी जी आए थे तो दे कंडेम द मोदी विजिट टू अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश शुरुआत हिस्ट्री को देखिए, शुरुआत से हम लोग इंडिया के साथ रहा और ये तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, हम लोग वी आर सेंटिनल टू इंडिया, हम लोग पूरा हिमालयन का पर्वत से हम सुरक्षित देख के रखा हुआ है, और हर जनजाति यहाँ रहते हैं, सब हमारे भारत देशवासी है, कोई अलग नहीं है, और यहाँ में चाइना का क्लेम करना वो तो बहुत गलत है, ये इंटरनेशनल इशू है, बहुत भारत सरकार उसको हैंडल करेगा और करना चाहिए था, अभी तक तो नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन हम अभी भी कहते हैं उसको इस प्रकार से बोलने नहीं देना चाहिए, उसको इंटरनेशनल लेवल में भारत सरकार द्वारा उसको ताकत के साथ बात करना चाहिए, और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा था कि चाइना को लाल आंख से दिखाएंगे, तो आज तक तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो लाल आंख कब कब निकलेगा। ये आज फर्स्ट पेज शायद आज शाम तक तो अनाउंस हो जाएगा, और बाकी जो भी बाद में कैंडिडेट आएगा उस हिसाब से हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे।